गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों अडेप्टेशन इन प्लांट्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हैबिटेट अडेप्टेशन, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में बताया, और अडेप्टेशन इन प्लांट्स की सेकेंड पार्ट में मैंने आपको हॉट एंड वेट प्लेसेस में प्लांट्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया, एवरग्रीन होते हैं, और प्लांट्स इन डेजर्ट्स की प्लांट्स के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में बताया, और प्लांट मर्शी एरियाज़ में न्यूमेटोफोर्स होते हैं, क्यों होते हैं मैंने आपको ये समझाया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में बताया, फिक्स्ड प्लांट्स की क्वालिटी जो लीव्स होती हैं उस पर वैक्स होता है, ठीक है, और इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में बताया कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो रिवर लाइक होती हैं। बच्चों इन दोनों वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, इसलिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनको देख लीजिएगा। अब हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? हम बात करेंगे सम स्पेशल टाइप्स वाले प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट। देखो बेटा, सभी प्लांट्स ग्रीन, मोस्टली प्लांट्स ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और जब वो जो इंसान अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा या जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा वो क्या करेगा, दूसरों के ऊपर डिपेंड होगा। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और वहां से अपना खाना लेते हैं। तो अब जैसे अगर आप लोग जैसे मेरे ऊपर डिपेंड हो गए, यानी आप मेरे क्या हो गए, होस्ट हो गए, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट, जो प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स ऐसे होते हैं इंसेक्टिवोरस, मैंने आपको बताया इंसेक्टिवोरस। एक्चुअली होता क्या है कि ये प्लांट्स जिस सॉइल में रहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जिस सॉइल में रहते हैं वहां पे लेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्या होती है बेटू, कमी होती है। तो अब नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करेगा, इसके लिए पता है क्या होता है, इसके एग्जांपल है वीनस फ्लाइट्रैप और एक है पिचर प्लांट। जो लीफ ब्लेड होता है, लीव्स होती है ना, वो अंदर से बिल्कुल पिचर, माने क्या होता है, घड़ा, यानी घड़े जैसी बन जाती है, ऐसे करके घड़े जैसी अंदर से खोपड़ी हो जाती है और घड़े जैसी बनती है, और ऐसे घड़े जैसी बन जाती है और बिल्कुल अंदर से इसमें ना म्यूकस निकलता है, सिक्रेशंस होते रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, और जो लीफ होती है ना, लीफ का जो अपेक्स होता है, जैसे ये लीफ है, लीफ का अपेक्स जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ढक्कन, वो ऐसे ढक्कन बन जाता है। तो ये आपकी ऐसे घड़े की तरह हो गई, उसके ऊपर ढक्कन आ गया ऐसे। अब क्या होता है, इसका ढक्कन ऐसे खुला रहता है, इसमें से एक स्मेल आती है प्लांट में से, तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट, क्योंकि अब इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी को करने के लिए क्या करते हैं, ये प्लांट्स इंसेक्ट को खा जाते हैं। सोच रहे होगे मैडम पता है क्या पढ़ा रही है, यस बेटा, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इनके पास आता है, यहाँ पे जैसे ही वो बैठा, चिपक गया, और इसने क्या किया, ऐसे ढक्कन, ऐसे करके ढक्कन को बंद कर लिया, और इसमें जो होते हैं हेयर्स होते हैं इस पिक्चर के अंदर, ऐसे डाउनवर्ड्स हेयर ऐसे लगे होते हैं। तो जैसे ही कोई बेचारा इंसेक्ट्स आया, चिपका, वो धार से नीचे गिर जाता है। अब जब जैसे ही नीचे गिरता है तो जो प्लांट्स होता है इसमें से सीक्रेशंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इंसेक्ट्स के प्रोटीन्स होता है, मतलब डाइजेशन में जो इंसेक्ट्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन, यानी एमिनो एसिड्स, ठीक है। आप अभी ऐसे ही समझो, अभी आप छोटे हो, फिर जैसे जैसे बड़े होगे आपको समझ में आएगा, और गुड़ गुड़ करके ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। तो ये तो मैंने आपको पिचर प्लांट की बात की, और जो वीनस फ्लाइट्रैप होता है, वीनस फ्लाइट्रैप में क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना ऐसे होती है, और यहाँ पे स्पाइन्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, इसमें से भी एक फ्रेग्रेंस निकलती है, स्मेल आती है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही यहाँ पे बैठता है इसके जो स्पाइन्स होते हैं खचक इसको इंसेक्ट्स को बंद कर लेते हैं, और वही चीज होती है, फिर इसका डाइजेशन होता है, और ये भी अब प्लांट्स जो होते हैं फिर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं कैसे सॉइल में मिलते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इनको जिंदा तो रहना है, फोटोसिंथेसिस वगैरह तो सब कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ग्रुप ग्रुप निगल लेते हैं, खा लेते हैं, और अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं और जिंदा रहते हैं। और हमारा एक टॉपिक छूट गया, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स में फंजाई।
फंजाई के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। फंजाई कैसी होती है? नॉन ग्रीन ब्रेड वगैरह होती है। ब्रेड के ऊपर आपने देखा ना ग्रीन ग्रीन कलर के, ग्रीन ब्राउन से फंजाई निकल आती है। तो इनको बस बेटा क्या होता है, एक्चुअली फंजाई में क्या होता है, स्पोर्स। जब ये स्पोर्स किसी चीज के संपर्क में आते हैं, वो चीज भी कैसी हो, थोड़ी सी गीली गीली सी हो, उसको दो दिन तीन हो गए और थोड़ा सा वार्म उनको एटमॉस्फेयर मिलता है, थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, तो ये स्पोर्ट्स ग्रो करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है और वो और फंजाई को बना देते हैं। आपने देखा होगा कभी आपकी रोटी कैसेरोल में रह जाती है या ब्रेड जो होती है उसके ऊपर फंजाई ग्रो करके और सारी उस ब्रेड को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। दिस इज कॉल्ड फंजाई, वही फंजाई होती है, राइट उसको ही हम क्या कहते हैं, फंजाई। कभी आपने देखा जूते जो होते हैं बारिश में आगे की तरह, मतलब उनकी जो आगे का सोल वोल होता है गंदा गंदा सा हो जाता है, वही फंजाई होती है। तो जो फंजाई होती है वो ऐसी ही चीजों पर ग्रो करती है। तो मैंने आपको सारे टर्म्स और ये क्लियर कर दिए, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो और मैं आपको जरूर बताऊंगी। और एक चीज और, आप लोग मेरी वीडियोस देख लेते हो ना, लाइक्स करते हो ना, कमेंट्स करते हो, ऐसे कैसे भाई, आप मुझे भी कमेंट्स भी तो किया करो, मुझे लाइक भी तो किया करो और मेरी वीडियोस को जो जो आपको लगता है कि ये वीडियोस बहुत अच्छी मैडम ने बनाई है तो उसको शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ ताकि और बच्चे भी इस चीज को सीख सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।